All right. So now we are explaining the relationship between total utility and marginal utility with the help of curves. जब हम डायग्राम के ऊपर बैठे ये वाला शेड्यूल प्रेजेंट करेंगे, वी विल गेट कर्व्स, टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. नाउ जैसे हमने इन फिगर्स को देख के रिलेशनशिप डिराइव की टीयू और एमयू में, अब हम इन कर्व्स को देख के रिलेशनशिप डिराइव करेंगे बिटवीन टीयू एंड एमयू. सो व्हाट वी हैव डन, वी आर टू ड्रॉ टू कर्व्स. वी कैन ड्रॉ बोथ द कर्व्स ऑन द सेम एक्सिस एज वेल. ठीक है, आप चाहो तो दोनों सेम एक्सिस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं. अभी के लिए मैंने दो एक्सिस बनाई हैं. ठीक है, टोटल यूटिलिटी इन पार्ट ए ऑफ द डायग्राम, मार्जिनल यूटिलिटी इन द पार्ट बी ऑफ द डायग्राम. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन टोटल यूटिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी. व्हेन फर्स्ट यूनिट इज ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, you get total utility equal to 10. 1, 10. Point आ गया, encircle कर दो. When two units are consumed, total utility is 18. 2, 18. 3 units, 24. 4 units, 28. 5 units would give you total utility equal to 30. 6 units also 30. 7 units 28. जी, ओके. अगर आपको जीरो पानी का ग्लास मिला होता तो आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिलती? जीरो. तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, जीरो जीरो. नाउ जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स विद फ्री हैंड, यू गेट वन कर्व, नेम इट एज टोटल यूटिलिटी कर्व. बेटे एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स you should know how to read a curve. एक कर्व को रीड करना आना चाहिए. ठीक है, यानी इंस्टेंटली उसको देख के कंक्लूजन ड्रॉ करनी आनी चाहिए. तो उसके लिए क्या देखना है, सबसे पहले आप देखो ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड है बेटे, इट इज अपवर्ड टिल दिस पॉइंट, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, दिस वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, isn't it? So here till this point it is an upward sloping curve. An upward sloping curve indicates positive relationship between the two variables. हम हमेशा दो variables के base पर graph draw करते हैं ना, एक x axis पर लेते हैं दूसरा y axis पर. यहां पर x axis पर क्या लिया है? Units of commodity. y axis पर क्या लिया है? Total utility. So upward slope of TU curve indicates that there exists positive relationship between units of commodity and total utility. Simply speaking, जैसे जैसे एक consumer किसी भी commodity के ज्यादा से ज्यादा units consume करता जाता है, उसकी total utility बढ़ती जाती है. ऐसे ही होगा, पानी के ज्यादा ग्लास पियोगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी. ठीक है, सो अभी मैं आपको इस एमयू टीयू पे बाद में आते हैं. अगर आप ये दो तीन टिप्स अभी सीख लोगे ना तो हर ग्राफ पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आगे सारा काम ही डायग्राम्स का है. ठीक है, तो उस केस में मैं नहीं बताऊंगी क्या रिलेशन है, आप मेरे को बताओगे. पहला पॉइंट क्या ऑब्जर्व करना है? स्लोप अपवर्ड और डाउनवर्ड. अपवर्ड इंडिकेट्स एंड डाउनवर्ड इंडिकेट्स नेगेटिव. हियर व्हाट डज इट इंडिकेट? एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ द मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग. गॉट इट? अपवर्ड डाउनवर्ड क्लियर? ठीक है,
दूसरी बात एक जो होती है वो मैं बता देती हूँ, आगे भी अगर अभी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट चैप्टर्स में समझ में आ जाएगा। इसकी शेप देखो, ये कनकेव, ये होता है स्ट्रेट, ये होता है कॉन्वेक्स। ये तीनों में से कौन सा है? अगर स्ट्रेट लाइन होता तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड स्लोप से पता चल गया। किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है वो शेप से पता चलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो इट वुड इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, यानी अगर ये पहला 10 है फिर 20 फिर 30 40 50, अगर ये वैल्यूज ऐसे चेंज होती तो दे ये कर्व कैसा होता? स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अपवर्ड है एक चीज, दूसरा कनकेव है, स्ट्रेट है या कॉन्वेक्स है। अगर अपवर्ड है मतलब इसके इंक्रीज होने से ये इंक्रीज हो रहा है, और अगर अपवर्ड एंड स्ट्रेट है तो इट इज इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। गॉट इट? अगर ऐसी हो, कनकेव हो, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट दिस वेरिएबल इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज क्या हो रहा है, किससे पता चल रहा है? अपवर्ड स्लोप से। इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग एट, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, एट फर्स्ट देयर वॉज इंक्रीज ऑफ 10 यूटिल्स, जब जीरो कंज्यूम किए तो जीरो, एक कंज्यूम किया तो 10 यूटिल्स का इंक्रीज, फिर 8 का, फिर इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। अगर ये कॉन्वेक्स होता, अब एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर दे दो, स्ट्रेट लाइन से कॉन्स्टेंट रेट पे बढ़ता है, बोलो, डिमिनिशिंग कनकेव में डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, तो कॉन्वेक्स में इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, यानी 10 के बाद 22 के बाद से 36 के बाद 50, पहले 10 यूटिल्स इंक्रीज आया, फिर 12, फिर 14, फिर 24, 52 कर लो, 60, वॉट इट, 62 कर लो, ज्यादा कर लो, नेवर माइंड, समझ में आया। लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी है ना हमारी कनकेव वाली, है ना, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, चलो, आपने सिर्फ ये कर्व ड्रॉ कर लिया, इसको अंडरस्टैंड करना समझ गए, अभी तक आपको हल्का हल्का इतना पता चल गया कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। ठीक है, पहले बढ़ता है, फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर कम हो जाता है। ये आपने एक सिंगल ग्राफ को स्टडी किया, लेकिन हमने तो दोनों का रिलेशन स्टडी करना है, लेकिन पहले इंडिविजुअली स्टडी करेंगे फिर रिलेशन। तो लेट अस ड्रॉ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नाउ। देखो, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी गिव्स यू मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 10, तो ड्रॉ कर लो, 1 and 10, 2 and 8, 3 and 6, 4 and 4, 5 and 2, 6 gives you 0, 7th gives you minus, तो -2 तक आपने ड्रॉ किया ना, पॉइंट्स ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास कर्व आ गया, इस कर्व का नाम दे दीजिए MU कर्व। Yes? Now let us study this curve. Upward sloping or downward sloping? Downward sloping. It indicates negative relation between
units of commodity and which means जैसे जैसे आप पानी के एक्स्ट्रा ग्लास पीते जाओगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंट रेट पे कम होगी. देख लो यहां पे, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स एज इट इज. यस, ठीक है. जब कोई कर्व एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब ये जो वाई एक्सिस पर वेरिएबल है उसकी वैल्यू जीरो हो गई. देखो ये क्रॉस कर रहे, इसका मतलब सिक्स यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो. उसके बाद क्या हो गई, नीचे चला गया एक्सिस के, यानी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव. ये सिर्फ इंडिविजुअली मैंने स्टडी करना बताया है. ठीक है, जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, उनको आगे वाली सारी डायग्राम्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स टी यू एंड एम यू. तो हमने देखा यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है. बिफोर दिस इट इज पॉजिटिव. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिक्स से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर तक, स्ट्रेट लाइन, जिससे हमारा डायग्राम दो पार्ट्स में बट गया. एक पार्ट शो कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ये पॉइंट शो कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है. इसके बाद का पार्ट क्या शो कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है. यस, सो सी टिल एमयू इज पॉजिटिव, टिल दिस पॉइंट एमयू इज, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टी यू, इट इज इंक्रीजिंग, अपर स्लोपिंग है, विच मीन्स इट इज इंक्रीजिंग. यू कैन स्टडी द ग्राफ नाउ, टिल एमयू इज पॉजिटिव TU is increase. When MU is zero, at this point, MU is zero, TU becomes maximum and constant. Now, where TU is maximum or where MU is zero, yani एडिशनल पानी का ग्लास अब आपको कोई यूटिलिटी नहीं, क्यों नहीं दे रहा, गिव मी वन रीजन. ओके, और कोई एक वर्ड आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हो, बस हो गई, बस होगी को इंग्लिश में कुछ बोले, सैचुरेशन आ गई, अब मेरी सैचुरेशन आ गई. So this point is known as point of saturation or point of satiety or point of maximum satisfaction. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तीन नाम मैंने बताए, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, पॉइंट ऑफ सटाइटी मीन सेम थिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. सो वन एमसीक्यू, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एमयू इज डैश एंड टीयू इज डैश मैक्सिमम. ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट ऑफ सटाइटी. चलो, अभी तक हमने दो पॉइंट रिलेशनशिप के किए, क्योंकि हमारा डायग्राम तीन पार्ट्स में बट गया, एक ये और एक तीसरा ये. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, मैम सैचुरेशन के बाद क्या लिखे, सैचुरेशन के बाद पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. ओके,
थर्ड पॉइंट रिलेशनशिप का ऑब्जर्व करो, व्हेन एमयू इज नेगेटिव, डिमिनिशिंग नहीं है ये, नेगेटिव है, नीचे वाले जोन में है। टीयू का क्या बिहेवियर है? टीयू स्टार्ट फॉलिंग। कैसे पता चला? सपोज करो ये है ही नहीं है ग्राफ, आप ग्राफ को देख के नहीं रिलेशनशिप स्टडी कर, सॉरी शेड्यूल नहीं है आपके पास, मैं शेड्यूल रब कर रही हूं। अब आप मेरे को बताओ, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, टोटल यूटिलिटी का क्या बिहेवियर है? स्टार्ट फॉलिंग। कैसे पता चला? डाउनवर्ड स्लोप, गिर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। व्हेन एमयू इज पॉजिटिव, टीयू इज इंक्रीजिंग। व्हेन एमयू इज जीरो, टीयू इज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट। व्हेन एमयू इज नेगेटिव, टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। व्हेन एमयू इज जीरो, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसके बाद कंज्यूमर की बस हो गई है, वो एडिशनल कमोडिटी, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करना नहीं चाहेगा। इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? हरलीन, यू हैड सम डाउट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑल्सो नोन एज गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, एज इट इज गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट गॉसन। सो बेटे, this law explains the behavior of the consumer. All of us are consumers, and by giving you many examples, while we studied the relationship between TU and MU, I told you that as you people will go on consuming more and more units of the commodity, the benefit which you derive from successive unit will go on diminishing. Yes, you agreed with me that when you will be offered first glass of water, it would give you marginal utility equal to 10 utils. You also agreed that by consuming second glass of water, you will get the benefit, but that benefit will be less than the benefit which you derived from the previous unit. So which means this succeeding unit will give you lesser utility. Similarly, third glass of water will give you still lesser, fourth still lesser, fifth still lesser. So this behavior of the consumer is known as law of diminishing marginal utility. To put it in words, this law states that as the consumer goes on consuming more and more units of the commodity, the utility derived from these successive units goes on diminishing. What do we call, what do give one name to the sentence? Utility derived from successive unit. Successive unit से मिलने वाली utility को एक word दो, नाम दो। Marginal utility. Marginal utility. So this law simply states, as the consumer goes on consuming more and more units of the commodity, marginal utility goes on diminishing. Marginal utility goes on diminishing. Does it happen with you or not? Take the case of glass of water. Take the case of a chapati. Take the case of pen. Take the case of uniform. Take the case of books. Agar aapke paas ek hi book hai aapki, इकोनॉमिक्स की, सबके पास एक एक है, अकाउंट्स की भी एक एक है आपके पास, आप उसको संभाल के रखोगे? यस। लेकिन अगर आपके पास दो बुक्स हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये आ जाएगा, कोई बात नहीं, गुमगी दूसरी तो पड़ी हुई है,
इसका मतलब दूसरी बुक की यूटिलिटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन कम हो गई, होगा कि नहीं? यस yes? मतलब जिस ये लॉ बेटे हम दो तीन टर्म्स में समझा सकते हैं। एक मैंने बताया, जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती। दूसरा हम ये कह सकते हैं जिस चीज का हमारे पास ज्यादा स्टॉक है, द मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस वी वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट। गॉट इट? जितना आपके पास किसी चीज का स्टॉक ज्यादा है उसकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा कम है, जिसका स्टॉक कम है उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। अगर एक ही पेयर है यूनिफॉर्म का तो उसको संभाल के रखोगे, डेली प्रेस करोगे, पता है अगर कहीं धोबी से इधर उधर होगी तो क्या पहन के जाओगे, तो उसको हमेशा आके देखोगे मेरी यूनिफॉर्म आ गई कि नहीं। लेकिन अगर घर में 8-10 शर्टें स्कूल की पड़ी हुई हैं तो एक दो गुम भी होगी ना तो 6 महीने बाद जाके पता चलेगा, या नहीं? मतलब जिस चीज का स्टॉक ज्यादा है उसकी यूटिलिटी कम होती, जिसका स्टॉक कम है उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती।